नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल स्पायर्ड मेट में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कोरोना वायरस की वजह से ESIC ने जो अभी एक बड़ा फैसला लिया है उसके बारे में। ESIC ने जो कंट्रीब्यूशन की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। पहले जैसे आप लोगों को पता होगा PF और ESIC का रिटर्न फाइल करने के लिए जो हमें डेट मिलती है वो होती है 15th ऑफ एवरी मंथ। 15 तारीख तक हर महीने के हमें कंट्रीब्यूशन फाइल कर देना होता है ESIC और PF का। लेकिन कोरोना वायरस के इस आउटब्रेक को ध्यान में रखते हुए ESIC ने एक अच्छी पहल ली है, जिसके तहत ESIC ने अब 30 डेज का ग्रेस पीरियड दिया है फॉर फेब्रवरी एंड मार्च मंथ ESIC का कंट्रीब्यूशन फाइल करने के लिए। यानी कि अब जो फेब्रवरी मंथ का कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग फाइल कर सकते हैं अप्रैल 15 तक, मार्च मंथ का कंट्रीब्यूशन हम लोग 15th ऑफ मई तक फाइल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है ESIC की तरफ से कोरोना वायरस के आउटब्रेक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोरोना की वजह से जो बिजनेस है आज के डेट में बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। इकोनॉमिकली जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई हैं। कंपनीज़ के ज़्यादातर कंपनीज आप लोगों को पता चल ही गया हो कि आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम कर रही है। काफ़ी ऑपरेशंस जो हैं वो बंद हो चुके हैं ड्यू टू दिस कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ESIC ने एक अच्छा कदम उठाया है, अच्छी पहल की है। आई होप कि PF भी ऐसी ही कुछ पहल करने वाला है और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे जो है एम्प्लॉयर्स को बहुत अच्छी मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और फॉर श्योर ये एम्प्लॉयर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं अब PF ऐसा ही कदम कब उठाने वाला है। गाइज, ESIC की इस इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन ESIC ने जारी किया है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को फैलाएं, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लेके आता हूँ और सबसे पहले लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।